कोई ऐसा विद्यार्थी मिले चाहे कहीं पे भी जिसको पढ़ाई में पैसा बाधा बन रही हो, उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही हो, बोझ लग रहा हो, उस अपने आप को एकदम बकलोल समझ रहा हो, आप भेजिएगा यहाँ पर, यहाँ से अधिकारी बन के लौट जाएगा। खान सर से पढ़ने के लिए नीचे भी बैठना पसंद करते, कहीं भी बैठ जाएंगे पढ़ने, अगर खान सर पढ़ाएंगे तो जमीन पर भी बैठ जाएंगे, चादर बिछा के भी बैठ जाएंगे, पर बैठेंगे। और आपके पैरों में चप्पल हो ना हो, हम आपके हाथ में किताब जरूर पकड़ा देंगे। दूसरे जगह से और यहाँ में क्या अंतर मिलता है? बहुत ज्यादा अंतर, यहाँ सबसे अच्छा फैसिलिटी मिलती है, पढ़ाई मिलती है, कम फीस में अच्छा से शिक्षा दिया जाता है, जिसे आप कभी नहीं भूलिएगा सर से पढ़िए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग खान सर के क्लासरूम में है और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ है और कितनी बड़ी क्लासरूम है, थोड़ा क्लासरूम दिखाइए। और 1275 दरोगा का रिजल्ट आ चुका है और अभी जो स्टेज पे ये चेहरा दिख रहा है, ये सभी लोग दरोगा बन चुके हैं और खान सर के सभी छात्र हैं। और खान सर से जानेंगे कि कैसे बने, दरोगा बनाने में क्या कुछ होता है, और बहुत सारा दरोगा को लेकर के एक बिहार में वो है कि दरोगा। सर सबसे पहले सर स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इतने छात्रों को दरोगा बनाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, इन लोगों का अपना मेहनत सबसे सर्वोपरि रहता है, इसलिए इन सबके मेहनत के लिए एक बार आप लोग ताली बजाएंगे। देखिए हम सब आप लोग को कट ऑफ तक पहुंचाएंगे, लेकिन पार करेंगे आप अपने मेहनत पे, याद रखिएगा। तो एक बार इनके मेहनत के लिए जोरदार ताली आप लोग के लिए, ठीक है। सर बिहार में कोई भी एग्जाम हो, छात्र एक ही चीज बोलते हैं कि खान सर है ना, तो ये विश्वास बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है? मेहनत तो जरूर रहता है, लेकिन एक चीज गारंटी देते हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सिपाही से लेके हो, चाहे वो यूपीएससी तक में हो, चाहे दरोगा में हो, किसी के लिए पढ़ाई में पैसा बाधा नहीं आएगा। जिस तरह से हमें ईश्वर ने पानी दिया है, हवा दिया है, उसी तरह हम लोग का जिम्मेदारी है शिक्षा देना। और आपके पैरों में चप्पल हो ना हो, हम आपके हाथ में किताब जरूर पकड़ा देंगे। बहुत सारे छात्र सक्सेस भी हुए हैं और बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट भी नहीं हुआ होगा, उन छात्रों को क्या बोलें? देखिए जिनका मेरिट नहीं बन पाया, अब उनके लिए हम यही कहेंगे कि अपना मोटिवेशन नहीं लूज करें और जो पढ़ने दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप चाहे पढ़ने में कितने भी अच्छे होंगे, एक चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जितनी सीट है उतना ही ना रिजल्ट हो पाएगा, अब उससे ज्यादा तो नहीं निकल सकता है, चाहे आपका दरोगा हो, पीसीएस हो, आईएएस हो। तो उस सीट के बाहर जो जाते हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नहीं बन पाता है, उन्हें एक बार दोबारा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा ये काम सोचना पड़ेगा कहाँ कमी रह गई थी, और उन्हें बाकियों की तुलना में थोड़ा सा सहूलियत होती है, क्योंकि एक अनुभव के साथ वो लोग आते हैं। और उन लोगों को भी शुभकामनाएं, और बाकी जिनका दिक्कत होगा जो मेरिट लिस्ट में छठे होंगे, उन लोगों के लिए हम लोग सेपरेट व्यवस्था रखे हैं, उन लोगों के लिए टेंशन नहीं हो। आपके नजर में भी अगर कोई ऐसा विद्यार्थी मिले, चाहे कहीं पे भी जिसको पढ़ाई में पैसा बाधा बन रही हो, उसे पढ़ाई समझ में नहीं आ रही हो, बोझ लग रहा हो, उस अपने आप को एकदम बकलोल समझ रहा हो, आप भेजिएगा यहाँ पर, यहाँ से अधिकारी बन के लौट जाएगा। सर लगभग लाखों छात्र पढ़ते हैं आपसे और क्लासरूम इतनी बड़ी है, इतने छात्र बैक में बैठते हैं, सर वहां से यहाँ तक का सफर तय करने के लिए, खान सर के स्टेज पे चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्या कुछ मूल मंत्र होता है खान सर का? वहां से यहाँ आने में एक लंबा सफर करना पड़ता है और उसमें बहुत सारी चीजें होती है, एक इन बच्चों के माँ बाप का सिखाया हुआ संस्कार, एक आप लोग की अपनी मेहनत, हम लोग का सिखाया गया एक जो मार्गदर्शन होता है, ये तीनों अगर मिल जाए तो सक्सेस हो जाएगा। और दूसरा बच्चा लोग लाल पीला हरा से बचो, यहाँ आना है तो लाल पीला हरा से बचो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन सर हमेशा लड़कियों पे लाल पीला हरा बोलते हैं, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है सर, रिजल्ट लेकर बैठी हैं और आप ही के स्टेज पर बताते हैं। इन लड़कियों को, इनके माँ बाप को हम स्पेशली थैंक्स बोलते हैं, आप लोग इन लोगों से भी बात करेंगे तो पता, स्पेशली एक लड़का का अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है ना, एक लड़का का रिजल्ट, एक लड़का को रिजल्ट के लिए केवल अपने से लड़ना है, एग्जाम से लड़ना, इन लोगों सबसे पहले अपने रिश्तेदार और घर वालों से लड़ना होता है कि हम करके दिखा सकते हैं। तो इन लोग के लिए स्पेशल एक लड़की थी आपकी, जब हम दरोगा का रिव्यू कर रहे थे तो आपकी स्टूडेंट थी सर, और उसका कहना था कि हम लव मैरिज शादी किए थे, लेकिन हमको घर से भी, ससुराल वाले भी हमको नहीं मानते थे और घर वाले भी हमको साथ छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद भी हम दरोगा बने हैं, और पता नहीं यहाँ पे तो नहीं आई है सर, लेकिन वैसे छात्रों को क्या बोलिएगा जो दोनों तरफ से नहीं है? अरे हमसे हम अब हमसे करेंगे सर, हम कैसे आए? अरे हो गया, अब मान के चले किसी ने शादी ब्याह कर लिया तो थोड़ा संकोच नहीं होता है कि सर जी के पास कैसे जाए, लेकिन संघर्ष देखिए, संघर्ष के आगे आप सब लोग को झुकना पड़ा कि नहीं झुकना पड़ा? तो बिल्कुल, इन लोगों का भी ढेर सारा संघर्ष है और आगे आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी बिहार एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र होंगे उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर?
बहुत सब लोग बढ़िया से मेहनत करिए और अपनी सफलता के लिए दिन रात एक करिए। एक चीज और है सर, बहुत सारे लोग रिजल्ट दिखाने में लगे हैं और छात्रों का कहना है कि खान सर के यहाँ से कितना रिजल्ट होता है इसकी गिनती नहीं कर पाते हैं। खान कौन गिनेगा बैठ के यहाँ पर। अच्छा ये होता है कि ये लोग इतना ज्यादा आगे जाके ऐसा काम करें कि समाज में एक बदलाव हो, मेनली यही होता है। अदरवाइज में अगर समाज में बदलाव ये लोग भी नहीं दिखा पाए तो हम इन लोगों से भी कहेंगे कि बताइए आप लोग को एक अधिकारी बन के क्या फायदा। तो आप सब इन जितने सक्सेस विद्यार्थी इन सबसे कहते हैं कि एक बदलाव जरूर दिखना चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद सर। और देखिए खान सर के छात्र हमारे साथ हैं, बहुत सारे छात्रों को आप देखिए कितनी बड़ी क्लासरूम है और छात्रों को देखकर क्या लगता है इतने सारा रिजल्ट हुआ है कोचिंग से, क्या बहुत अच्छा है कि खान सर का बढ़िया से रिजल्ट होते, बढ़िया से सर पढ़ाते हैं इसलिए रिजल्ट यहाँ संस्थान से होता। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पटना धरती पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। कहाँ से आई है? छपड़ा से। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा, इतना अच्छा है कि तुरंत दिमाग में फिट हो जाता है ऐसा पढ़ाते हैं। और के क्लास में आके कैसा फील? बहुत अच्छा, एकदम बचपन वाली फीलिंग आती है। दूसरे जगह से और यहाँ में क्या अंतर मिलता है? बहुत ज्यादा अंतर, यहाँ सबसे अच्छा फैसिलिटी मिलती है, पढ़ाई मिलती है कम फीस में, अच्छा से शिक्षा दिया जाता है जिसे आप कभी नहीं भूलिएगा सर से पढ़िए और जगह पढ़िए। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? अच्छा दूसरे जगह से और खान सर के क्लासरूम में पढ़ने का क्या अंतर? दूसरे सर इतना अच्छा से नहीं पढ़ा पाते जितना ये सर अच्छे से पढ़ाते, लोगों की भावनाओं को समझते हैं कि किस तरह हम बच्चा को पढ़ाए जो कि वो समझ सके अच्छे से। अच्छा अभी दरोगा वाले छात्र आए थे और मोटिवेट भी काफी होते, सपना है स्टेज पर जाने का? ये सर अपना सपना है। अच्छा कहाँ से आई है आप? वैशाली जिला। वैशाली से। सर कैसा पढ़ाते? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। पूरी फैकल्टी कैसी पढ़ाते हैं? सभी अच्छे पढ़ाते हैं। देखिए नीचे छात्र बैठे हुए हैं, इतने नीचे तक मतलब छात्र बैठे हैं। अच्छा इतना नीचे क्यों बैठे हैं आप लोग? खान सर का पसंद है, जगह नहीं मिल पाता। जगह नहीं मिलने के कारण खान सर से पढ़ने के लिए बस भाई यही बहुत है, जगह कैसे मिल जाए खान सर के कोचिंग में बस। रिजल्ट लेने के लिए कहीं भी बैठना पड़े बस खान सर से पढ़ना है। बस बस ये इतने बात है, कहीं भी जगह मिल जाते हैं नीचे बिछा के बैठ जाते हैं बस। खान सर से पढ़ने के लिए नीचे नीचे भी बैठना पसंद करते, कहीं भी बैठ जाएंगे पढ़ने, अगर खान सर पढ़ाएंगे तो जमीन पर भी बैठ जाएंगे, चादर बिछा के भी बैठ जाएंगे पर बैठेंगे। चलिए देखिए दीवानगी है और सर पर भरोसा है कि खान सर से पढ़ने के लिए नीचे भी बैठे हुए छात्र, बाकी कितनी बड़ी क्लासरूम है देख सकते हैं आप लोग और नीचे तक बैठे हैं छात्र और दिखाइए इनको, और खान सर की ये दीवानगी है, बाकी रिजल्ट तो कितना होता है देख ही रहे होंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।